हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट, दैट इज द एड्रेस। तो जो एड्रेस, सबको पता है कि एड्रेस क्या होता है, किसी का जो है पता, एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस क्यों, यहाँ पे टाइटल है एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर सीन क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, और किस तरह से जर्मन ने इन्वेट करा था हॉलैंड में, और जहाँ पे 90% पीपल कौन से थे बच्चों, ज्यूज थे, और किस तरह से वहां पे उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा था, कुछ जो है वहां से फ्लैड हो गए थे, चले गए थे, इन डिफरेंट कंट्रीज चले गए थे। और यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं बच्चों, डॉटर और उनकी जो है एक मदर है जिनका नाम है एस, मिसेस एस, और उनकी डॉटर हैं, और वो भी अपना जितना वैल्यू वैल्यू जो वैल्यूएबल सामान है, कीमती सामान है, किसी जो है डॉर्लिंग नाम की जो है लेडी को देते हैं, और कहते हैं कि जब आफ्टर जब पीस हो जाएगा एट द टाइम हम इसको ले लेंगे। अब बच्चों देखते हैं कि क्या वो लेडी उनको रिटर्न करती है या नहीं करती है। लेट सी थ्रू दिस चैप्टर। तो चैप्टर का क्या है, द एड्रेस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या सीन दिखाया गया है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, जब किसने अटैक करा था, जर्मनी ने किस पे करा था, हॉलैंड पे, और जहाँ पे 90% पीपल वो क्या थे, वर ज्यूज। दिस शॉर्ट स्टोरी इज पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर। जैसे अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में है, एक डॉटर के बारे में है, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग। बिलोंगिंग क्या होता है बच्चों, जो चीजें हमारी अपनी होती हैं, जिनको हम बिलोंग करते हैं, उन चीजों को ढूंढते हुए कहाँ चली गई वो, हॉलैंड, सॉरी आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। जब वॉर होती है हॉलैंड के, हॉलैंड में वॉर होती है और वो चले जाते हैं, तो आफ्टर दैट शी कहाँ जाती है, शी गोज टू हॉलैंड इन सर्च ऑफ मदर्स बिलोंगिंग। व्हेन शी फाइंड्स देम, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरी ऑफ हर अर्लियर लाइफ। ऑब्वियसली बच्चों क्या होता है, जब हमें अपनी चीजें मिलती हैं, कीमती चीजें मिलती हैं, जिनको हम जो है लाइक करते हैं, तो हमें क्या आती है, उससे जो रिलेटेड जो मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, उससे अटैच्ड होती हैं, वो हमारी फिर से क्या होती हैं, रिकॉल करने लगती हैं, राइट। तो सेम यहाँ पे भी उनके साथ हुआ, व्हेन शी सॉ द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, तो क्या हुआ, इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. और finally, at the last, पहले वो जाती है उनको लेने के लिए, but वहाँ पे जो जो है condition होती है या situation होती है, she decided to leave them there और वापस आ जाती है। तो ये अभी हम इस story में detail में पढ़ेंगे, let's see। तो narrator भी कौन है, Mrs. Asti daughter। तो यहाँ पे war का scene दिखाया गया है, किस तरह से world war हो रही है। आपको भी पता है जब वर्ल्ड, जब कोई भी वॉर होती है तो क्या वहाँ पीस होता है, ऑब्वियसली नहीं होता, और सबके अंदर एक क्या होता है, फ्राइटेंड रहते हैं, फियर रहता है। कुछ लोग जो हैं किस तरह से वहाँ पे अपनी जो है कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, सेम हॉलैंड के भी कई लोग जो है दे फ्लेड टू डिफरेंट कंट्रीज। क्यों गए थे, और अपना सामान सारा छोड़ के जो पूरा उन्होंने, ऑब्वियसली अगर हम कहीं अपने देश में रह रहे हैं और सडनली ये लड़ाई हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वहां से हर कोई जो है एस्केप करने की कोशिश करता है। सेम मिसेस एस और उनकी डॉटर ने भी करा, अपना जितना सामान था सब छोड़ के दे लेफ्ट द कंट्री। लेट्स स्टार्ट, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सीन क्या है, वर्ल्ड वॉर का है, और किस तरह से वहां पे जर्मन ने किसके ऊपर अटैक करा है, हॉलैंड के ऊपर, और वहां पे ज्यादातर लोग क्या है, देवर ज्यू 90% पीपल। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। अब यहाँ पे ये जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यह कहाँ पे है, जब मिसेस एस की डॉटर कहाँ जाती है, डॉर्लिंग एक लेडी है उनके पास जाती है, तो वो वहां पे बोलती है डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। आई कौन है यहाँ पे बच्चों, नरेटर है, नरेटर कौन है, मिस्टर एस, मिसेस एस की डॉटर, वही इसकी नरेटर है, तो आई इज फॉर नरेटर। डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अभी भी मुझे जानते हो, द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। अब जो लेडी थी, जैसे नरेटर शी आस्क्ड कि डू यू स्टिल नो मी,
तो वो थोड़ी सी जो है ऐसे देखने लगी कि पहचानने की कोशिश करने लगी, सर्चिंगली शी हैड ओपन द डोर और चिंग चिंग क्या होता है बताओ, थोड़ा सा उसने क्या खोला, डोर को खोला, किसने, दैट लेडी, चिंग मींस नैरो ओपनिंग, थोड़ा सा उन्होंने दरवाजा खोला। लुक एट दिस पिक्चर, तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ये हैं मिसेस डॉर्लिंग, अभी नाम आएगा लेटर, और ये कौन है बच्चों, नरेटर, राइट, मिसेस एस की डॉटर। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, अब यहाँ पे नरेटर कह रही है वो और उनके क्लोज गई क्योंकि उन्होंने जरा सा दरवाजा खोला था, नैरो ओपनिंग, एंड शी कहाँ गई, वो केम क्लोजर टू हर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, नो आई डोंट नो। अरे किसी के मन में जो है बच्चों का भावना आ जाती है, नहीं भाई पहचान भी लिया और फिर भी वो कह रही नो नो आई डोंट नो यू, क्यों कहा बच्चों, क्योंकि उसे लगा कि मे बी ये अपना सामान लेने आई होगी, जो भी उसका रहा होगा माइंड में, तो उसने कहा नो आई डोंट नो यू, किसने बोला बच्चों, बच्चों दैट लेडी जिसने दरवाजा खोला था, आई एम मिसेस एस, अब उसने क्या कहा, मैं किसकी डॉटर हूँ, एस एपोस्ट्रोफी कैसे बच्चों, एस के बाद एपोस्ट्रोफी कैस, इट मीन के की होता है, तो यहाँ उसने क्या कहा, आई एम मिसेस एस डॉटर, कि मैं एस की डॉटर, She had her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. और उन्होंने जो है अपना हाथ जो है वहीं पे होल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था जो नैरो ओपनिंग थी दरवाजे की, और अपने आप को जो है प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही थी इट ओपनिंग एनी फर्दर, मतलब उसको और खोलना नहीं चाह रही थी, वहीं पे उन्होंने उसको होल्ड करके रखा था। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उनको देख के लग रहा था उनके फेस से एक्सप्रेशन से बच्चों पता चल जाता है कि वो खुश हैं या नहीं है, या वो जानती हैं या नहीं जानती है, तो उनके फेस से लग रहा था रिकॉग्निशन नहीं कर रही है, पहचान नहीं रही है। She kept starting at me in silence. चुपचाप जो है वो उनको देख रही थी, स्टेयर कर रही थी। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. होता है ना, हमें लगता है कि भाई सामने वाला रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, या मैंने गलती से दूसरा डोर तो नहीं खटखटा दिया। तो यहाँ पे जो हमारी नरेटर है वो क्या कह रही है, परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर, आई हैड सीन हर ओनली वंस, यहाँ पे नरेटर कह रही मैंने एक बार उनको देखा था और अब मुझे लग रहा है कि शायद परहैप्स कि ये वो नहीं है। Fleetingly, and that was, fleetingly का means क्या होता है, for a short time, थोड़े से समय के लिए देखा था, and that was years ago, बहुत साल पहले, right? तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने जो है उनको देखा था, और fleetingly means short time के लिए, थोड़ी देर के लिए। It was most probable that I had rung the wrong bell. अब उन्हें लग रहा था कि maybe उन्होंने जो है गलत जो है बेल को रिंग कर दिया, रिंग रैंग रंग, थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होते हैं, तो यहाँ हेड के साथ परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो रिंग रैंग रंग, क्लियर। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। The woman let go of the door and stepped to the side. अब वो थोड़ा सा जो है साइड में हो गई। She was wearing, और उन्होंने क्या पहना हुआ था, उनकी मदर का, उन्होंने पहचान लिया था कि जो उनकी मदर थी उन्होंने जो है नीट करा हुआ था, नीट मीन्स क्या होता है बच्चों, बुनना, तो नीटेड मीन्स के साइलेंट रहता है, नीटेड कार्डिगन ग्रीन कलर का था, और कलर कैसा था बच्चों, इट वॉज ग्रीन इन कलर, राइट। The wooden buttons were rather pale from washing. अब उसमें कैसे बटन थे, वुडन थे, लकड़ी के बटन थे, और बार बार धो के क्या हो जाता है बच्चों, फेड हो जाता है कलर, तो जो बटन थे वुडन बटन ग्रीन कार्डिगन में कैसे हो गए थे, पेल। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. अब वो समझ गई और उन्होंने देखा कि ये जो है किसको देख रही है, लुकिंग एट द कार्डिगन, और उन्होंने ये देख लिया, शी सॉ दैट
आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन की आई कौन है यहाँ पे नरेटर की नरेटर किसको देख रही है कार्डिगन को देख रही है कौन सा कार्डिगन है उनकी मदर का नीटेड जो है एक कार्डिगन है जो किसने पहन रखा था दैट वुमेन जब उन्होंने देखा कि नरेटर क्या कर रही है ही वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन तो उन्होंने क्या करा हिड मीन्स छिपना कहाँ छिपने की कोशिश करी थी बिहाइंड द डोर डोर के पीछे दरवाजे के पीछे अगर ऑब्वियसली अगर हम जो है किसी की चीज यूज करें सपोज आपके पास कोई सामान रखे गया है और उसने कहा है कि लेटर मैं जो है इसको कलेक्ट करूंगा आफ्टर द वॉर जैसे यहाँ पे वॉर की बात है बट आप कह सकते हैं कि जब मैं वापस आऊंगा देन आई विल कलेक्ट इट तो क्या आप उसको यूज करेंगे ऑब्वियसली नहीं करेंगे आप उसका वेट करेंगे बट यहाँ पे क्या था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब जो है स्टॉप्ड हो गई तो उसने क्या करा उनकी चीजों को यूज करना शुरू कर दिया और क्या पहना हुआ था उन्होंने उनका ग्रीन नीटेड कार्डिगन और उसके जो बटन थे वो कैसे थे रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग शी सॉ दैट शी वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन तो उन्होंने क्या करा अपने आप को छुपने की कोशिश करी कहां पे बिहाइंड द डोर दरवाजे के पीछे बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट अब जो है नरेटर की समझ में आ गया था वो गलत नहीं है वो कहाँ पे है सही जगह पे है राइट सही है वो और राइट प्लेस पे क्लियर जैसे पहले उनको क्या लग रहा था कि शी वॉज मिस्टेकन कि उनको गलती हो गई है मे बी शी हैड रंग द रॉन्ग बेल बट नाउ शी न्यू दैट शी वॉज राइट अब उसे पता चल गया था कि वो क्या है शी वॉज राइट वेल यू न्यू माई मदर इसने नरेटर ने क्या पूछा कि क्या यू न्यू नो का क्या होता है न्यू के यहाँ पे भी साइलेंट होता है यू न्यू माई मदर क्या तुम मेरी मदर को जानती हो किसने पूछा नरेटर आक्षदूत है लेडी हैव यू कम बैक सेड द वुमेन अब जो है वुमेन को भी लगा ये जो है मिसेस डॉटर है तो व्हाट शी सेड कि हैव यू कम बैक क्या तुम वापस आ चुकी हो हु सेड दैट लेडी सेड टू नरेटर आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी उसने कहा कि मुझे लगा कि कोई जो है वापस नहीं आया है एक्सेप्ट मी ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर एक जो है दरवाजा खुलता था ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज एक रास्ता सा था वहां पे एक दरवाजा बंद और खुलता था बिहाइंड हर उसके पीछे किसके पीछे दैट लेडी जिसने क्या करा था ओपन द डोर मस्टी स्मेल मस्टी क्या होता है प्लेजेंट मस्टी क्या होता है बच्चों मीनिंग मस्टी का स्टेल मीन्स जैसा बासी होता है ना गंदी सी अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी वहां से क्योंकि दरवाजा कैसा था ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज एक पैसेज था और बिहाइंड हर मीन्स दैट लेडी ए मस्टी स्मेल इमर्ज आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू अब उन्होंने आई रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करना कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती आई हैव कम हियर स्पेशली अब नरेटर कहते हैं कि मैं यहाँ स्पेशली किसके लिए आई हूँ आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन से आई हूँ आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट मीन्स थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे क्या करना चाहती हूँ बात करना चाहती हूँ इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ अब नरेटर ने क्या बोला बच्चों जी आई हैव कम हियर स्पेशली जो है मैं तुमसे मिलने आई हूँ ऑन द ट्रेन और नरेटर ने क्या बोला कि शी वॉन्टेड टू मिलना चाहती हूँ तुमसे फॉर ए मोमेंट बट वॉट शी सेड अब वुमेन ने क्या बोला बच्चों शी सेड दैट इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ तो उन्होंने कहा अभी मेरे लिए जो है सही नहीं है कन्वीनियंट टाइम नहीं है टू टॉक सेड द वुमेन आई कांट सी यू अनदर टाइम उन्होंने कहा कि भाई अनदर टाइम जो है आई कांट सी यू शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब और उसने जो है सिर हिला के नॉडेड करके और अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया क्लोज द डोर जिससे कि जो अंदर लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप और वो जिस स्टेप में खड़ी थी
आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जिस स्टेप पे खड़ी थी वहीं पर वो खड़ी रही। कौन? नरेटर। द कर्टिन इन फ्रंट ऑफ द विंडो मूव्ड समटाइम्स स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओ नथिंग। अब यहाँ पे वो क्या कह रही है कि एक खिड़की थी वहां पे, विंडो थी, और वहां पे जो है क्या हुआ, बी विंडो मूव्ड, द कर्टेन, कर्टेन उसमें पर्दा था, इन फ्रंट, स्टेयर्ड एट मी, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। और उन्होंने देखा कि वहां पे कोई जो है उनको स्टेयर कर रहा है, कंटीन्यूअसली देख रहा है। एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड, इट वाज नथिंग। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रही है कि इन्होंने फिर से वो जो है नेम प्लेट देखी जो वहां पे लगी हुई थी, डार्लिंग इट सेट इन ब्लैक लेटर ऑन वाइट इनेमल। इनेमल का मीन्स क्या होता है, एन ओपेक और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दैट इज अ टाइप ऑफ ग्लास, जिसके ऊपर जो है नेम प्लेट बनाते हैं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था ब्लैक लेटर से, मिसेस डार्लिंग। तो इनमें उस लेडी का नाम क्या था बच्चों, मिसेस डार्लिंग। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स व्हाइट इनेमल एंड ऑन द जैम। जैम मीन्स क्या होता है, साइड पोस्ट ऑफ ए विंडो, फायर प्लेस और डोरवे। अ बिट हायर द नंबर, उससे थोड़ा सा ऊपर एक क्या था, साइड पोस्ट ऑफ ए विंडो, फायर प्लेस और डोरवे। अ बिट हायर द नंबर, जो उनका एड्रेस था उससे थोड़ा सा ऊपर। अ बिट हायर द नंबर, और नंबर कितना था, दैट इज 46। तो इट मींस क्या था, स्ट्रीट नंबर इज 46, नेम इज मिसेस डार्लिंग। क्लियर? तो कौन आया था यहाँ पे बच्चों, मिसेस एस्टर्टन, मिसेस एस डॉटर, एस उसकी मदर का नाम था, एपोस्ट्रॉफी केस मींस उनकी डॉटर, एस की डॉटर, किसके पास आई थी, मिसेस डार्लिंग के। एड्रेस क्या था बच्चों, 46 नंबर था, नंबर इज, और नेम प्लेट में क्या लिखा था, नंबर इज 46। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों कि वर्ल्ड वॉर का टाइम था, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर जो है पीसफुल जो है एनवायरनमेंट हो गया, तो मिसेस एस डॉटर कहाँ गई, फॉलेज। और वहां पे जिसने दरवाजा खोला बच्चों वो कौन थी, मिसेस डार्लिंग थी। क्या वो उनको पहचान, और जो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, और किस तरह से उन्होंने रिफ्यूज करा टू टॉक विद मिसेस एस्टर्टन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिसेस डार्लिंग है, मिसेस डार्लिंग, और ये कौन है नरेटर, मिसेस एस्टर्टन। चिंक मींस थोड़ा सा इन्होंने दरवाजा खोला, जो हमने अभी पढ़ा बच्चों उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। द प्रोटोगोनिस्ट आस्क्ड द वुमन स्टैंडिंग एट द डोर इफ शी स्टिल न्यू हर। तो नरेटर प्रोटोगोनिस्ट कौन है यहाँ पे, नरेटर है, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो अभी भी उनको जानती है। द लेडी हैड ओपन द डोर अ लिटिल, थोड़ा सा खोला, एंड द नरेटर केम क्लोजर टू द डोर एंड स्टूड देयर। तो वो मेन रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था उनका, नेगेटिव था, राइट, रिस्पॉन्डेड नेगेटिवली, एंड द नरेटर स्टिल गेव हर इंट्रोडक्शन, शी सेड शी वाज मिसेस एस्टर्टन। क्योंकि जब उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, नेगेटिव रिस्पॉन्स किया, तो ऑब्वियसली जो नरेटर थी उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, किसको, दैट लेडी, और उनका नाम क्या है बच्चों, मिसेस डार्लिंग। शी सेड शी वाज मिसेस एस्टर्टन, द वुमन हैड हेल्ड द डोर tightly as she didn't want her to enter. और उन्होंने उसको जो है hold करके रखा था, tightly hold करा था, जिससे कि वो अंदर ना आ सके, enter the house. She kept staring at the protagonist, though she couldn't recognize her. और continuously जो है उसको stare करी थी, क्यों करी थी, जैसे कि she couldn't recognize her. She want to get disturbed in the house. और वो नहीं चाहती थी कि घर के अंदर कोई डिस्टर्ब हो, दैट इज व्हाई शी क्लोज द डोर। द नरेटर वाज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द स्टेप, और जिस स्टेप में खड़ी थी नरेटर जो है
वहीं पे खड़ी थी। शी सॉ अ कर्टेन मूविंग ऑन द विंडो बे, उन्होंने देखा कि एक विंडो में जो है कर्टेन जो है मूव करा। समवन वाज स्टेयरिंग एट हर, अंदर से कोई उनको कंटीन्यूअसली देख रहा था नरेटर को। फ्रॉम इनसाइड द हाउस शी थॉट इट वाज नथिंग एज द वुमन वुड हैव टोल्ड हर। द नरेटर लुक्ड एट द नंबर प्लेट, और जैसे ही उन्होंने नंबर प्लेट में देखा तो किसका नाम था, नंबर वॉज 46, डार्लिंग वॉज रिटन ऑन द प्लेट ऑन व्हाइट इनेमल। पूरी जो नेम प्लेट थी वहां पे ब्लैक लेटर से क्या लिखा हुआ था, मिसेस डार्लिंग हाउस नंबर 46। किससे लिखा था, व्हाइट इनेमल से, सॉरी ब्लैक लेटर से और व्हाइट इनेमल के ऊपर लिखा था, क्लियर, ऑन द प्लेट ऑन व्हाइट इनेमल। पूरी प्लेट थी व्हाइट कलर की और उसके ऊपर ब्लैक लेटर से क्या लिखा हुआ था बच्चों, मिसेस डार्लिंग हाउस नंबर 46। अब बच्चों क्या है, टोटली जो है नरेटर को कंफर्म हो गया था कि शी वॉज एट राइट हाउस, शी वॉज नॉट रॉन्ग। एज आई वॉक स्लोली, अब यहाँ पे नरेटर कह रही है कि जैसे मैं धीरे धीरे चलने लगी बैक टू द स्टेशन, क्यों चलने लगी, बिकॉज शी उसने क्या कहा था, रिफ्यूज कर दिया था टू टॉक टू नरेटर। तो यहाँ पे नरेटर कह रही है एज शी वॉक स्लोली back to the station, she thought about her mother. तो होता है ना बच्चों, हम जा रहे हैं और हम जिस पर्पस के लिए आए हैं और अगर वो पर्पस नहीं सॉल्व होता है तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, राइट। एज यहाँ पे भी जो नरेटर है, she thought about her mother who had given me the address years ago. कई साल पहले जो है उन्होंने ये एड्रेस किसको दिया था, अपनी डॉटर को दिया था, ऑन सैटर मिसेस डार्लिंग का हाउस नंबर 46। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये शुरू की बात है जब वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उस समय उनकी मदर ने शी गेव हर द एड्रेस। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। अब यहाँ पे नरेटर कह रही है कि शी आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए जो है शी वॉज एट होम एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, जब भी वो कुछ ही दिन के लिए घर आती थी और उनके माइंड में एक बात स्ट्रक करी कि यहाँ पे कुछ चेंज है, उनके घर में जितना सामान था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। आई मिस वेरियस थिंग्स, इट मीन कि सब कुछ कुछ जो है वहाँ पे उनको लग रहा था, कमी लग रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और उनकी मदर ने जो है सरप्राइज थी ऑब्वियसली कि मैंने इतनी जल्दी जो है इन चीजों को नोटिस कर लिया है। दैट क्या नोटिस कर लिया है कि यहाँ पे क्या है, कुछ चेंज है, मिस वेरियस थिंग्स। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग, और जब उन्होंने जैसे यहाँ पे नरेटर ने बोला कि बहुत कम दिन के लिए वो घर आती थी और उन्होंने इमीडिएटली देखा कि यहाँ पे कुछ रूम्स में चेंज आया है, समथिंग जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, मिस हो रहा है, और ये चीजें जो है उनकी जो मदर थी शी वॉज सरप्राइज दैट शी had noticed so quickly. और फिर उन्होंने क्या कहा, she told her about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance. क्या होता है जो परिचित, वो कह रही पहले मैंने इनके बारे में नहीं सुना था, जैसे ही उन्होंने बताया कि ये कौन है, मिसेस डार्लिंग है। तो यहाँ पे नरेटर कह रही है कि हाँ मुझे जो है मैंने पहले नहीं मिली थी, बट कोई परिचित होंगी मेरी मदर के, ऑफ माई मदर होम शी हैड नॉट सीन फॉर इयर्स, जिनको उन्होंने कई सालों से नहीं देखा था। जैसे अभी उन्होंने यहाँ पे बताया है कि शी वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट। ये भी हो सकता है कि अचानक सडनली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उन्होंने जो है रिन्यू करे होंगे अपने कॉन्टैक्ट्स को, जिन्हें उन्होंने जो है
मिल नहीं पा रहे होंगे और फिर से उन्होंने रिन्यू करे देयर कॉन्टैक्ट, क्लियर। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली और उसके बाद में भी जो है रेगुलर आना आने लगे। कई बार होता है ना बच्चों, हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता, हम मिल नहीं पाते रेगुलर, बट जब हमारी जरूरत होती है तो हम फिर से जो है अगर हम रिन्यू करते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को तो फिर मिलना शुरू हो जाता। सेम जो है ये भी जो है उनके माइंड में आ रहा था कि हो सकता है माय मदर रिन्यूड द कॉन्टैक्ट्स और सिंस देन मींस तब से शी हैड कम रेगुलरली और तब से मे बी जो है वो रेगुलर उनके घर आ रही। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर और जब भी उनके घर आती थी तो कुछ ना कुछ उनके घर से प्रीशियस सामान जो है लेकर जाती थी। कौन? मिसेस टॉलिंग। सेड माय मदर शी टुक ऑल द चेपल सिल्वर इन वन गो एंड देन द एंटीक पीसेस। तो जितना भी उनका कटलरी सेट था सिल्वर का था सब वो लेके चली गई थी एंड देन जितनी एंटीक प्लेट्स थी, एंटीक मीन्स जो प्रीशियस होती है पुरानी होती है ओल्ड थिंग्स, उन चीजों को वो भी लेके चले गए। एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, हंग जो उनके यहाँ टंगी हुई थी, हैंग हंग। शी हैड ट्रबल लगिंग, लगिंग का मतलब क्या था, जो कैरी अ हैवी ऑब्जेक्ट विद ग्रेट एफर्ट, जो चीजें भारी होती है ले जाने में मुश्किल होते है ना बच्चों। शी हैड ट्रबल लगिंग दो लार्ज वासेस, जो बड़े बड़े जो वास थे उनको ले जाने में उनको क्या हो रही थी, कुछ ट्रबल हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। क्रीक का मतलब एक क्रैम्प और स्पास इन मसल और उनको ऐसा लग रहा था आई एम वरीड शी गॉट ए क्रीक की मसल्स में। कई बार होता है ना हम हैवी चीज जो उठाते हैं तो हमारी मसल्स जो है फुल हो जाती हैं, तो उन्हें ऐसा लगा। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, पिटिंगली मीन्स फीलिंग सॉरी। उनका सामान ले जा रही थी और ले जाते समय उनको थोड़ा सा ट्रबल हुआ, मसल्स में जो है पेन हुआ, तो उनकी मदर क्या फील करी थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर शी सजेस्टेड, वो कहती मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी मुझसे पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स और वो इंसिस्ट क्या करेंगे कि ये सारी जितनी भी एंटीक है जैसे हैं जितना भी सामान ले जा रही है सबको क्या करके रखेगी, सेव करके रखेगी। All my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she said. अब कैसे convince कर रही थी उनको कि अगर आप यहाँ पे सारी चीजें छोड़ के चले जाओगे तो maybe जब वापस आओगे तो ये नहीं मिलेगा, but मैं क्या करूँगी। She wanted to save कि मैं इन सारी चीजों को क्या करूँगी, save all these nice things. Clear बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? Address एक chapter है और वर्ल्ड वॉर का टाइम है और किस तरह से जर्मन ने इन्वेट करा था हॉलैंड में। हॉलैंड की जो पॉपुलेशन थी मोस्ट ऑफ द पीपल कहते 90% ऑफ द पीपल वर ज्यूज और किस तरह से कुछ लोग जो है डर के फ्लड कर रहे थे टू डिफरेंट कंट्रीज। हम यहाँ पे जिनकी बात कर रहे थे वो भी जो है वहां से चले गए थे, फ्लड हो गए थे, मिसेस एस और उनकी डॉटर और उनका जितना सामान था किसके पास था, मिसेस डॉर्लिंग के पास था जो कहाँ रहती थी 46 नंबर हाउस नंबर कितना था 46। इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।